हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका पैच एंड दीपक बायोलॉजी क्लास एंड जॉब स्टेलर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर रिलेटेड वैकेंसी के बारे में, वो जानेंगे डिटेल में। तो अगर आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे दीपक बायोलॉजी क्लास एंड जॉब स्टेलर, तो आपको मेरे चैनल का इंटरफेस उस टाइप से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं जॉब्स रिलेटेड नोटिफिकेशन, साथ ही साथ जो बायोलॉजी रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट की वीडियोस को रेगुलरली डालता रहता हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो आपको मैं जॉब्स रिलेटेड नोटिफिकेशन और साथ ही साथ जो है बायोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट जो वो देखने को मिलेगा। तो चलिए हम देख लें नोटिफिकेशन। तो ये नोटिफिकेशन आई है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के कॉलेज मिरांडा हाउस से आया। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो नोटिफिकेशन आया है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली और मिरांडा हाउस से जो है वो रिलीज किया गया है। ठीक है, तो ये जो है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली और मिरांडा हाउस से जो ये रिलीज किया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिक्रूटमेंट और टीचिंग स्टाफ, और जो ये रिक्रूटमेंट का जो एडवर्टाइजमेंट आया वो 28 सितंबर 2022 को रिलीज किया गया है। और यहाँ पे जो असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट को निकाला गया है मल्टीपल डिस्प्लेस में, और यहाँ पे आपका जो है अकेडमिक लेवल 10 का जो आपको पे ग्रेड दिया जाएगा विद रेशनलाइज एन टी पे ऑफ 57,700 ऑफ द 7 CPs, यानी 7 सेंटर पे कमीशन का जो है आपको यहाँ पे जो है सैलरी दिया जाएगा। ठीक है, लास्ट डेट जो एप्लीकेशन रिसीव करने का वो 18 अक्टूबर 2022 है। और यहाँ पे जो है अगर आपको और ज़्यादा डिटेल में चाहिए तो आप जो है मिरांडा हाउस की ऑफिशियल वेबसाइट mirandahouse.ac.in पर जो है आप इसके लिए और डिटेल में आप जो है इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सीरियल नंबर, नेम ऑफ डिपार्टमेंट, और यहाँ पे वैकेंसी इन्होंने मैंसन कर रखी है। तो यहाँ पे देखिए बंगाली में जो है आपको SC में ST, OBC, EWS, PWBD, अनरिजर्व, और आपके यहाँ पे टोटल 3। तो यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं कि SC, ST, OBC, EWS, PWD सब में जो है वैकेंसीज को निकाला गया, तो एक अच्छी चीज़ है। ऐसे ही आप देख सकते हैं बॉटनी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, एलिमेंट्री एजुकेशन, इंग्लिश, ज्योग्राफी, इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डिफरेंट साइंस सब्जेक्ट है, एज वेल एज आपको यहाँ पे साइंस नॉन साइंस बैकग्राउंड के सब्जेक्ट भी देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे अच्छी बात यह है कि इन्होंने कास्ट वाइज या रिजर्वेशन वाइज जो है वैकेंसीज को क्लियरली मेंशन कर रखा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं आप जिस भी सब्जेक्ट में आप एलिजिबल हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे वैकेंसी भी देख सकते हैं कि आप जिस कास्ट के हैं तो उसमें जो है आप अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अदरवाइज आप जनरल में तो आप कर ही सकते हैं। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप जनरल में तो कर ही सकते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप सिर्फ जनरल कैटेगरी के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें मैं आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट जितने भी सब्जेक्ट हैं, चाहे वो नॉन साइंस बैकग्राउंड के हो चाहे वो नॉन साइंस बैकग्राउंड के हो, सबके लिए यहाँ वैकेंसीज को निकाला गया है। ठीक है, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन कर रखे हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें टोटल, तो यहाँ पे जो है आपको टोटल वैकेंसी देखने को मिलेंगी कि किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी, तो इस टाइप से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। जैसे SC में टोटल 14 है, ST में 7 है, OBC में 21 है, और तो टोटल यहाँ पे जो वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी वो 78 है। ठीक है, तो टोटल वैकेंसी जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी वो 78 जो है वो देखने को मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पे देखिए कि अगर आप SC ST या OBC से बिलोंग करते हैं, आप SC या ST या OBC से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं SC ST के लिए 5 ईयर्स का आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाता है, और OBC के लिए आपको 3 ईयर्स का जो एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपकी एलिजिबिलिटी में आपका MSc होना चाहिए या PG कोर्स आपका होना चाहिए विद रिलेवेंट सब्जेक्ट। तो यहाँ पे आपका रिलेवेंट सब्जेक्ट में जो है आपका MSc होना चाहिए। क्लियर, इसके अलावा आपका जो है नेट भी क्वालिफाई हुआ होना चाहिए। ठीक है, आपका नेट भी यहाँ पे क्वालिफाई होना चाहिए, CSI UGC नेट है तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास ICR नेट है तब भी आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर, तो अगर आपके पास इनमें से, तो ये बेसिक जो है आपका एलिजिबिलिटी है कि आपका MSc और नेट होना चाहिए। अगर यहाँ पे आपका क्राइटेरिया API इंडेक्स बेस पे है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका UG का मार्क्स जुड़ेगा, PG का मार्क्स, फिर आपका अगर CSIR है तो उसका आपका मार्क्स मिलेगा, अगर JRF है आपका या नेट है, JRF का सेपरेट मार्क्स रहेगा, नेट का सेपरेट मार्क्स रहेगा। उसके बाद आपके पब्लिकेशंस का भी रहेगा कि अगर आपके पास जो है पब्लिकेशंस है, रिसर्च पब्लिकेशन की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे रिसर्च पब्लिकेशन है तो उसका आपको मैक्सिमम जो है वो 6 मार्क्स मिलेगा। ऐसे ही आपको अगर कोई नया अवार्ड मिला है तो आपको जो है उसका 3 मार्क्स मिलेगा। तो इस वे में जो है आपका API इंडेक्स प्रिपेयर किया जाएगा, और उसके बाद जो है आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। तो आपका यहाँ पे API इंडेक्स की बेस पे कट ऑफ निकाली जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी, और उस कट ऑफ के बाद जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि अगर आप उस कट ऑफ में आपका API इंडेक्स जो है वो आ रहा है तब आपको यहाँ पे इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ठीक है, तो ये मेन है आपका कट ऑफ, अगर आपका API इंडेक्स जो है उस कट ऑफ में आ रहा है तब आपको यहाँ पे जो है
आपको यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, आप उसके लिए तब अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जो है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।